बेवली शहर में गांधी जयंती के मौके पर मैं बताता चलूं कि गांधी जी को पैदा होकर आज 150 साल पूरे हुए और भारत की आज़ादी को 70 साल से ज़्यादा हो गए। बेवली शहर में ही नहीं पूरे देश में आज प्लास्टिक पर पाबंदी लगी और बेवली शहर में इस तरह के और भी बहुत सारे स्कूलों की तरफ से प्रोग्राम किए गए। इस वक्त मैं बेवली शहर के पांजरा पुल क्षेत्र में हाफिज़ बाबा दरगाह के पास शादी आदम शेख टेक्निकल हाई स्कूल के पास हूँ और आज यहाँ पर रक्तदान, दांत का या इस तरह की और भी जो ज़रूरतें हैं, हैजामा वगैरह, इस तरह के प्रोग्राम का एक बड़ा प्रोग्राम किया गया, यानी एक महाप्रोग्राम हुआ है समझ लीजिए, और ब्लड डोनेट, रक्तदान महाकल्याण। मैंने भी आज इस प्रोग्राम में अपनी पत्नी के साथ ब्लड डोनेट किया। इस वक्त इस ग्रुप के बाबा ग्रुप से वारिस बाबा यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आज के ताल्लुक से इस प्रोग्राम में कितने लोगों को फ़ायदा मिला। भाई बताइए कि आज जो आपने प्रोग्राम किया इसमें कितने लोगों को इसका फ़ायदा मिला? लगभग 1200 से 1300 लोग सुबह 8 बजे जो भीड़ लगी थी वो 6 बजे तक भीड़ की सैलाब में ऐसा लोग आ रहा था। इसमें क्या क्या लोगों को सहूलतें मिली? इसमें फ्री मेडिकल कैंप के जो दवा थे वो थे, उसमें जो चश्मा था कट हो जाएगा। हम लोग ने जो ब्लड कैंप रखा था वो 60 से 65 लोगों को अपनों ने रक्तदान किया। गांधी जयंती पर आज जो शादी आदम शेख टेक्निकल हाई स्कूल में प्रोग्राम हुआ बेवली शहर में, इस वक्त भूषण रोकड़े जी हमारे साथ में हैं और इस प्रोग्राम की बड़ी जिम्मेदारी इनके पास थी। भूषण जी बताइए कि आज का जो प्रोग्राम था क्या मैसेज देने की आप लोगों ने कोशिश किया और पब्लिक को उसका क्या आज फ़ायदा मिला है? सबसे पहले तो मैं गांधी जयंती का पूरे भारतवासियों को मेरे तरफ से, मेरे ग्रुप के तरफ से और तमाम हमारे भिवंडी घर के लोगों के तरफ से गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरी बात, ऐसा हमने एक मेगा कैंप आज ऑर्गेनाइज़ किया था जिसमें कि ब्लड चेकअप, हर तरह का ब्लड चेकअप था, फिर उसके बाद में ECG था, जनरल चेकअप था, दांत का दवाखाना, दांत का डॉक्टर आए हुए थे, वापस अपने चश्मा का डॉक्टर आए हुए थे, हार्ट्स के जितने भी मरीज़ है तकरीबन हमने कुछ 60 से 70 लोगों का लोग हमारे तक कांटेक्ट में आए कि हमें हार्ट का प्रॉब्लम है, तो उसके सिलसिले से उनका वेदांत का वो लोग का और वेदांत वालों का ये हुआ है, टाइप हुआ है। वो लोगों ने जो 1400-1500 लोग आए जिसमें से 1400-1500 में से 60 जन, जो काफ़ी लोगों का यही इलाज हो गया, बाकी तकरीबन 60 से 62 लोग ऐसे हैं जिनको वहाँ पे एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी या जो भी है 1200 रुपये में वो 2D इको करा के देंगे और जो 20 से 30 हज़ार रुपया हमको एंजियोप्लास्टी के लिए लगता है उसका प्रोसेसिंग फ़ी लगता है 5000 रुपया, जो हमको 5000 रुपया दे के हम उसका एंजियोप्लास्टी भी उसमें कराएंगे। फिर उसके बाद में हमारे पास ब्लड डोनेशन कैंप हुआ जिसमें भी हमने लगभग 60-65 ब्लड के बॉटल्स दिए हुए हैं। उसके बाद में ऊपर हिजामा हुआ हमारे पास, निजामी हिजामा आयुर्वेदिक सेंटर था, उनके तकरीबन 100-120 लोग वो हो गए हैं और बहुत सारे लोगों को हमने आयुष्मान भारत का जो मोदी जी ने दिया हुआ है इंश्योरेंस के जैसे 5 लाख रुपए तक का हर तरह का जिसमें इलाज हो सकता है 5 लाख रुपए तक का, वो तकरीबन हमने 150-200 लोगों का उसका भी कराया है, टोटल कुल मिला वो है। और ज्योतिबा फुले महात्मा गांधी नहीं ज्योतिबा फुले आरोग्यदायी योजना जिसमें हमने तकरीबन 300-400 लोगों का नाम दर्ज करवाया है। इस तरह के काफ़ी सारे और लोगों का इलेक्शन कार्ड, पैन कार्ड जिसका दुरुस्ती है जो भी है वो हमने करवाई है। इसके कुछ एक अंदाजा कितने लोगों का आज यहाँ एक जनरल मेरे शाम को 4:30 बजे तक कुछ 1400 से 1450 एंट्री हुआ था, फिर 4:30 के बाद में एक सैलाब तो चालू ही था, हो सकता है 150-200 और हो जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। या कार्यक्रमामध्ये बरकात ट्रस्टचे काही जबाबदार व्यक्ती होते आणि त्यांच्यावर काहीतरी मोठी जबाबदारी होती। बरकात ग्रुपचे अध्यक्ष आहेत मला वाटतं, नाव सांगा ना आपलं। रफिक शेख माझं नाव आहे। आजच्या या कार्यक्रमामध्ये आपली जबाबदारी किती होती?
आजचा जो कार्यक्रम झाला हा गांधी जयंती निमित्त हा ठेवण्यात आलेला आणि याची मला वाटतं तारीख आम्ही 4-5 महिन्यापहिलेच घेतलेली की ह्या तारखेला 2 ऑक्टोबर रोजी आम्ही हा कार्यक्रम ठेवायचा. ह्या कार्यक्रमामध्ये आमचे बाबा ग्रुप, बन्सी ग्रुप आणि HB ग्रुप आणि बरका ट्रस्ट असे 4 जे ग्रुप होते यांनी पूर्ण हँडल करण्याचा हा आमचा प्रयत्न होता. आणि पहिली गोष्ट तर ही आहे की आचारसंहिता लागल्यामुळे आम्हाला जास्त याचा या कॅम्पचा प्रचार करता आला नाही, तरी पण आम्ही या कॅम्पला मेगा कॅम्प अशा स्वरूपाचा स्वरूप दिलेला आहे. आणि एकूण 1400-1500 पेशंट जे या कॅम्पचा लाभ घेतलेला आहे या कॅम्पमध्ये. आजचा हा कार्यक्रम संपला, आजचा कॅम्प संपला, यानंतर दुसरी वाटचाल काय? ही आमची सुरुवात होती. हे जे 4 ग्रुप आहेत या 4 ग्रुपचे कार्यकर्ते एवढ्या जबाबदारीने आपले काम केलेलं आहे त्यामुळे ही आमची सुरुवात आहे. याच्या पुढं आम्ही पूर्ण भिवंडीमध्ये एक मोठा कॅम्प म्हणजे लावणार आहोत. त्याच्यामध्ये जेवढे म्हणजे आज जे आम्ही लोकांना सुविधा दिलेल्या आहेत आरोग्यामध्ये त्या पूर्ण सुविधा देण्याचा प्रयत्न करू आणि ते पण मोफत. कारण आम्ही आमचा जो ग्रुप आहे हा स्लम एरियामधला आहे आणि सर्व गरीब कार्यकर्ते आहेत, आमचे अध्यक्ष पण गरीब आहेत. पण आमचा प्रयत्न असा असतो की आम्ही आमच्या लोकांना कोणत्या प्रकारे आणि कसल्या प्रकारे चांगल्यात चांगला एक योजना किंवा आरोग्याचा विषय असेल किंवा कुठली गव्हर्नमेंटने काढलेली योजना असेल त्याच्यामध्ये आम्ही त्यांच्यापर्यंत पोहोचू हा आमचा प्रयत्न असतो. आमचा ग्रुप जो आहे हा एक समाजसेवी ग्रुप आहे, त्यामुळे आम्ही लोकांच्या मनामध्ये राहण्याचा प्रयत्न करतो आणि राहत आहोत. आभारी आहे. इसी इलाके से सामाजिक कार्यों में मजबूती से खड़े रहने वाले शम्सू अंसारी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और मैं उनसे जानूंगा कि आज का जो प्रोग्राम था उन्हें कैसा लगा और अच्छा क्या करना चाहिए. देखो, मुझको ये सुन के देख के बहुत खुशी हुई कि माशा अल्लाह अल्लाह किसान आज भी भिवंडी में इंसानियत जिंदा है. ये अपनी भिवंडी एक ऐसा शहर है कि एक कौमी यकजहती का शहर है जिसकी जिंदा मिसाल हमारे बालू रोकड़े उर्फ काका, भूषण रोकड़े उर्फ विक्की. मुझको ये देख के बहुत अच्छा लगा. मुझको काका ने 4 दिन पहले मीटिंग में इनवाइट किया कि शम्सू भाई मीटिंग में आ जाना, तुम सामाजिक कार्यकर्ता हो, हमारे साथ में मिलके कंधे से कंधा मिला के काम करना. मैं अपने हिसाब से टाइम पे आया मीटिंग में और आज प्रोग्राम के दिन सुबह जब मैं आया तो पब्लिक देख के मेरी एकदम दिल जल गया, जान जल गई कि इतनी भीड़ हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे. लेकिन अल्लाह की शान, वारिस बाबा की टीम और काका की टीम, हम सब लोगों ने मिलकर काम किया. आज ऐसा लगता है कि भिवंडी में ज़रूरतमंद लोग है, ज़रूरतमंद लोग है. लेकिन ये IGM हॉस्पिटल में अगर आज दुरुस्ती अगर सही इलाज होता तो आज इतने लोग उमड़ नहीं पड़ते. कम से कम प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत कम से कम 713 लोग आए, 713 लोग, और चश्मे के लिए 120 लोग आए, और रक्तदान 60 लोगों ने दिया, उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. और आम पेशेंट आप देखोगे तो 1450 लोग थे, और दांत के लिए 138 लोग, CEG 58 लोगों ने करवाया, और माशाल्लाह अल्लाह की जान हजामा भी लोगों ने कराया. हमारी माँ बहनें जो ज़रूरतमंद थी वो भी करवाई, और मर्द हजरात भी करवाए, उसमें मैं भी शामिल था. मुझको देख के बहुत अच्छा लगा. मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग मुझको दिल से याद करें, मैं भी इनको दिल से याद करता हूँ, इनके साथ कंधे में कंधा मिला के चलूँगा. जय हिंद, जय महाराज. आइए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं. बाला साहब रोकड़े हमारे साथ में हैं जो इस इलाके में कौमी एकता की शान भी हैं, और आज का जो ये प्रोग्राम हुआ इतना बड़ा उसमें सबसे सीनियर हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर थी. आज की जिम्मेदारी इन्होंने कैसे निभाई उन्हीं से हम जानते हैं. बाला साहब, आज का जो प्रोग्राम हुआ बहुत ही अच्छा था, लोगों ने तारीफ़ भी की, मैं कुछ लोगों से भी मिला जो हम पेशेंट थे, बहुत अच्छा लगा लोगों को. इसमें आप लोगों ने कैसे काम किया और आने वाले दिनों में और पब्लिक को कैसे फ़ायदा मिलेगा उसके बारे में बताएं. देखो, मेरे साथ बहुत से फ्रेंड जुड़े हुए थे. मेरे यहाँ के इलाके के बहुत बच्चे लोग, बाबा ग्रुप है, पापा बंसी ग्रुप है, HB ग्रुप है, बरका ट्रस्ट है, इन्होंने सुबह से ये कम से कम 4-5 दिन से हम लोग कैंप के पीछे लगे हुए हैं. मतलब ऐसे पहले से ट्रेनिंग तो हमारी पहले से ही चालू है इस पर, लेकिन 4-5 दिन से ये दिन रात मेहनत करके ये हमने आज कैंप करवाया 2 अक्टूबर का. इसमें इसके साथ में मैं स्पेशल थैंक्स शादम टेक्निकल स्कूल को दूंगा कि उन्होंने हमको स्कूल
अवेलेबल करवाया कैंप के लिए, और फिर उसके बाद में कोंकण प्रोग्रेस ट्रस्ट मेडिसिन वाले ये शर्फी बाउद्दीन है, उन्होंने सीमा बाउद्दीन उन्होंने सब मेडिसिन उनको हमको दिया। IGM हॉस्पिटल वाले वापस RSP संकुल ब्लड, परवेज मोमिन, जरीन मोमिन, सलमा डेंटिस्ट, वेदांत हॉस्पिटल टीम, BIM शकुन तेल, मिल्लत नगर सेंटर, उन्होंने सब ने मेरे को हमको बहुत सा सपोर्ट किया इस कैंप के लिए, और इनको सबको स्पेशल थैंक्स हमारे ग्रुप की तरफ से, सभी ग्रुप से। वापस हमारे फ्रेंड अनिल आए थे, अनिल गायकवाड़, उनको स्पेशल थैंक्स। DCP साहब का हमको कॉपरेशन रहा, अच्छे से अच्छा कॉपरेशन रहा हर चीज़ में हमारे को। निज़ामपुरा पुलिस स्टेशन का भी सपोर्ट रहा, उनके लिए स्पेशल थैंक्स, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। कैंप से फ़ायदा उठाने वालों में से जो लोग थे उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ में नंदू मामा है, और इन्होंने हिजामा करवाया। हिजामा की जो कहानी है, बहुत ज़रूरी है, लोगों को हिजामा कराना चाहिए, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जो कप लगा हुआ देखते हैं तो डर जाते हैं कि बोले इसमें तो खून निकल रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं, बताइए आपको आज आपने हिजामा कराया तो आपको कैसा लगा इसमें, और आने वाले दिनों में इसका आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है? आज तक मैंने इतने ट्राई किए, लेकिन जब मैं आज उसका इलाज ले लिया, ऐसा इलाज मेरे को पहली बार ऐसा लगा कि एकदम परफेक्ट इलाज लग गया, और मैं एकदम फ्री हो गया शरीर से। ये हिसाब से मैं आम जनता के हिसाब से, मैं खुद ही पर्सनली भगवान के हिसाब प्रार्थना करता हूँ, ऐसा एक ऐसे ग्रुप ये दुनिया में ऐसे काम करते चलो, इनको ऐसी बुद्धि दे, सुविधा दे भगवान, कि जन सेवा ही ईश्वर सेवा, ये ऐसे हिसाब से ये सब लोग चले रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी में एक बार फिर हमारे साथ वारिस बाबा हैं। वारिस, बताइए प्रोग्राम के ताल्लुक से अब और क्या करना? सबसे पहले तो निज़ामपुरा पुलिस स्टेशन ने जो हमको करने का मौका दिया उसका शुक्रिया अदा। DCP साहब जो हमको इस इलेक्शन के पेरेड में जो करने का मौका दिया उसका शुक्रिया। हमारे अनिल गायकवाड़ साहब जिसने हमको ट्रॉफी दिया उसका शुक्रिया। हमारे मयूरेश पाटिल साहब, ऐसे कुड़ूस से आए तौसीफपुरे साहब, और हमारे मक्की पटेल साहब, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जो सोशल मीडिया पे जो इस कैंप को बहुत दूर तक पहुंचाने वाले, वो हमारे रवीश मोमिन का स्पेशल थैंक्स। बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं ना कि ए इंसान तेरी कहानी कितनी है, जब तू अंधेरे से उजाले में आएगा तो तुझे नहलाया जाएगा, और जब तू उजाले से अंधेरे की तरफ जाएगा तो एक बार फिर तुझे नहलाया जाएगा। बस इतना ही याद रखना कि अगर कब्रिस्तान में जाएगा तो अंधेरा वहाँ है, और अगर शमशान में जाएगा तो राख काली ही होती है। इंसानियत का ये प्रोग्राम, इंसानों के नाम, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम।